नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबुराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम उपन्यास के भेदों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उपन्यास के भेदों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला, कथा वस्तु के आधार पर। प्रत्येक उपन्यास का कथानक अलग अलग हो सकता है। कोई उपन्यास तत्कालीन यथार्थ से संबंधित हो सकता है, किसी का संबंध पुराण कथा से हो सकता है, किसी का संबंध अतीत से हो सकता है। इस प्रकार समकालीन यथार्थ से संबंधित उपन्यास में कोई कथा वस्तु सामाजिक और कोई पारिवारिक हो सकती है। इस प्रकार उपन्यास को कथा वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है: ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, पारिवारिक, घटना प्रधान, भाव प्रधान। विषय वस्तु की दृष्टि से ऐतिहासिक, पारिवारिक, सामाजिक भागों में बांट सकते हैं और वर्णन शैली की दृष्टि से इन्हें पौराणिक, घटना प्रधान और भाव प्रधान इन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों का संबंध अतीत से होता है, जो समय बीत चुका है उससे होता है, अर्थात इसकी कथा वस्तु अतीत से जुड़ी होती है, भूतकाल से जुड़ी हुई होती है। ऐसे उपन्यासों में यह आवश्यक नहीं है कि वह इतिहास सम्मत सच्ची घटना को ही कथा वस्तु का आधार बनाए, बल्कि उसमें वह कल्पना द्वारा कथा की संरचना भी कर सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि ऐसे उपन्यासों में भी समकालीन जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है, अर्थात समकालीन जीवन की समस्याओं को अतीत की घटना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट के युग की कथा के माध्यम से आज के समाज में व्याप्त जाति प्रथा, धार्मिक विद्वेष, युद्धोन्माद आदि पर करारी चोट की गई है। दूसरा, पारिवारिक उपन्यास। जिस उपन्यास में परिवार की समस्या या घटना को कथा वस्तु का मुख्य आधार बनाया जाए, उन्हें पारिवारिक उपन्यास कहते हैं। जिस उपन्यास में परिवार की किसी समस्या या घटना को कथा वस्तु का आधार बनाया जाता है, उसे पारिवारिक उपन्यास कहते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार समाज की एक इकाई है, अर्थात परिवार समाज का ही एक अंग है। अतः परिवार से जुड़े होने के कारण ऐसे उपन्यास को सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत भी रख सकते हैं। जैसे प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह के कारण परिवार से उत्पन्न समस्या को दर्शाया गया है। इस प्रकार पारिवारिक उपन्यास की कथा वस्तु परिवार की समस्या या घटना से संबंधित होती है। तीसरा, सामाजिक उपन्यास। किसी सामाजिक समस्या या घटना को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेवा सदन निर्मला मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वह सामाजिक उपन्यास हैं। चौथा, पौराणिक उपन्यास। जिस उपन्यास में कथा का आधार पौराणिक गाथा हो, वह पौराणिक उपन्यास कहलाता है। जिसका कथानक पुराणों से संबंधित हो, उन्हें पौराणिक उपन्यास कहेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास के समान इसमें कथा का आधार तो पुराण से संबंधित होता है, लेकिन उद्देश्य आधुनिक होता है या हो सकता है। उदाहरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनामदास का पोथा। पांचवा, घटना प्रधान उपन्यास। जिस उपन्यास में घटना की प्रधानता हो, वह घटना प्रधान उपन्यास कहलाता है। यानी इसमें कथा वस्तु में किसी घटना की प्रधानता होती है। ऐसे उपन्यासों में कथा की रोचकता घटना के विकास से जुड़ी रहती है। तेजी से बदलती हुई घटनाएं कथा को रोचक बनाती हैं। पाठक उपन्यास को इसलिए पढ़ता जाता है कि कथा में एक के बाद एक आने वाली घटनाओं के साथ वह संभावना बनी रहती है कि आगे क्या होगा। जासूसी, अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास इसी वर्ग में आते हैं। जैसे देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति,
आदि तिलस्म और यारी उपन्यास हैं। छठा भाव प्रधान उपन्यास। जिस उपन्यास में भावनात्मक संघर्ष को कथा का आधार बनाया जाता है वह भाव प्रधान उपन्यास कहलाते हैं। तथा जिसमें भावनात्मक संघर्ष कथा का प्रमुख आधार होता है या कथानक भावनात्मक संघर्ष पर आधारित होता है। इस उपन्यासों में पात्रों के मन में उठने वाले भावों को चित्रण किया जाता है। जैसे जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता को इसी वर्ग में रखा जा सकता है। उपन्यासों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है चरित्र चित्रण। अर्थात चरित्र चित्रण के आधार पर उपन्यास के भेद। जिस उपन्यास में किसी मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है उसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहते हैं। पुनः ध्यान दें, जिस उपन्यास में मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है उसे क्या कहेंगे? चरित्र प्रधान उपन्यास। जैसे इस खंड में जिस उपन्यास का अध्ययन करेंगे वह चरित्र प्रधान उपन्यास है। निर्मला उपन्यास का प्रमुख नारी पात्र है, पूरी कथा उसके जीवन से संबंधित है। अन्य छोटी कथाएं उसके चरित्र को पुष्ट करने के लिए ही निर्मित हुई हैं। चरित्र प्रधान उपन्यास में एक केंद्रीय चरित्र के साथ साथ कई अन्य चरित्र भी होते हैं। अर्थात एक मुख्य या प्रमुख चरित्र होता है और उसके साथ अन्य चरित्र भी होते हैं। और उपन्यासकार पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को चित्रित करने के लिए घटनाओं और प्रसंगों की रचना के साथ साथ पात्रों के अंतः और बाह्य संघर्षों के चित्रण पर भी बल देता है। अर्थात पात्रों के मनोभावों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। जैनेन्द्र अज्ञेय इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यास इस कोटि में आते हैं। उपन्यास के वर्गीकरण का तीसरा आधार है परिवेश। अर्थात परिवेश के आधार पर उपन्यास के भेद। कथा वस्तु के आधार पर हो गए, चरित्र चित्रण के आधार पर, और अगला है परिवेश के आधार पर। प्रत्येक उपन्यास का कोई ना कोई परिवेश होता है, वातावरण होता है। लेकिन जिस उपन्यास में अन्य तत्वों की अपेक्षा परिवेश की प्रधानता होती है उसे परिवेश प्रधान उपन्यास के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेखक जिस परिवेश को अपनाता है उसकी संपूर्ण विशेषता को प्रकट करता है। आंचलिक उपन्यासों को परिवेश प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है क्योंकि उसमें अंचल या क्षेत्र विशेष की स्थानीय विशेषताओं को लेखक विस्तार से चित्रित करता है। उदाहरण के लिए फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मेलांचल, इसमें बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की आंचलिकता का विस्तार से वर्णन किया गया है। परिवेश के आधार पर किए जाने वाले उपन्यासों को महानगरीय, शहरी, ग्रामीण, कस्बाई आदि वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चौथा आधार है शैली। अर्थात शैली के आधार पर उपन्यास के भेद। शैली का अर्थ है रूप, ढंग। अर्थात उपन्यास किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले उपन्यास लिखने का एक ही तरीका था, अर्थात कथा वस्तु का आरंभ करके उसका विकास करना और अंत तक पहुंचा देना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उपन्यास लिखने की कई शैलियां विकसित हो चुकी हैं। अगर उपन्यास की कथा किसी पात्र के मुख से कहलाई गई है तो उसे आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास कहते हैं। पुनः ध्यान दें, आत्मकथात्मक शैली कौन सी होगी? जिसमें उपन्यास की कथा किसी पात्र के मुख से कहलाई गई है। उदाहरण के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा या जैनेन्द्र का त्याग पत्र। यदि उपन्यास की कथा पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत की है तो उसे पत्र शैली का उपन्यास कहेंगे। पुनः ध्यान दें, अगर उपन्यास की कथा पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है तो पत्र शैली का उपन्यास हो गया। जैसे पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा लिखित चंद हसीनों के खतुत उपन्यास पत्र शैली में है। अगर उपन्यास डायरी के रूप में लिखा गया है तो उसे डायरी शैली का उपन्यास कहेंगे। डायरी के रूप में लिखा गया है तो डायरी शैली का उपन्यास। जैसे डॉक्टर देवराज के उपन्यास अजय की डायरी डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है। जिस उपन्यास में प्रतीकों के द्वारा कथा कही गई हो उसे प्रतीकात्मक शैली का उपन्यास कहेंगे। जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा का खाली कुर्सी की आत्मा प्रतीकात्मक उपन्यास है। अगर उपन्यास स्वप्न चित्रों की तरह लिखा गया है तो उसे फंतासी शैली का उपन्यास कहेंगे।
जिस उपन्यास की कथा लोक कथा पर आधारित हो उसे लोक कथात्मक शैली का उपन्यास कहेंगे। अगला भेद है प्रतिपाद्य के आधार पर, उपन्यास के भेद। इस वर्ग में उपन्यास को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं, एक रचनाकार के दृष्टिकोण के आधार पर और दूसरा रचना में निहित उद्देश्य के आधार पर। रचनाकार की दृष्टि या तो आदर्शवादी होती है या यथार्थवादी, दो प्रकार की हो सकती है, या तो आदर्शवादी या यथार्थवादी। जब रचनाकार किसी आदर्श को रखकर उपन्यास की रचना करता है तो उसे हम आदर्शवादी उपन्यास कहते हैं। आदर्शवादी किसे कहेंगे? जिसमें रचनाकार किसी आदर्श को केंद्र में रखकर उपन्यास की रचना करता है। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास इसी वर्ग में आते हैं। और दूसरा भेद, जब उपन्यासकार अपने आदर्श को नहीं रखकर जीवन के यथार्थ को उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करता है तो उसे यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। यथार्थवादी उपन्यास किसे कहेंगे? जिसमें आदर्श को न रखकर जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक उपन्यासकार समाज को मार्क्सवादी दृष्टि से देखते हैं और उसी के अनुसार उपन्यास की रचना करते हैं। इस दृष्टि से लिखे गए उपन्यास भी यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी उपन्यासकार समाज के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं और उसी दृष्टि से उपन्यास की रचना करते हैं, तो ऐसे उपन्यास को आलोचनात्मक यथार्थवादी उपन्यास कहेंगे। यानी यथार्थवादी भी हैं और आलोचनात्मक भी हैं। लेकिन जब लेखक उपन्यास में यथार्थवाद को समाजवादी नजरिए से प्रस्तुत करता है तो ऐसे उपन्यासों को समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास कहेंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यथार्थ का चित्रण करने वाले उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यास या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहेंगे या कह सकते हैं। मैं ध्यान दें, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यथार्थवाद का चित्रण करते हैं वह मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहलाते हैं। हिंदी में जैनेन्द्र अज्ञेय जोशी के उपन्यास इस श्रेणी में आते हैं। या ये ध्यान देने बात रखने हैं कि उपन्यासकारों में उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहने का चलन अवश्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन उपन्यासों में मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों के अनुसार यथार्थ का चित्रण नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने उपन्यास की जो विविध भेद हैं, विविध आधारों पर उसके जो भेद किए गए उनका विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।